अगर करिश्मा मैडम चाहेगी तो मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी ले लूंगी अपना ट्रांसफर। हाँ तो फिर हम भी ले लेंगे अपना ट्रांसफर। तू क्यों लेगा अपना ट्रांसफर? तो आप क्या लेंगे अपना ट्रांसफर? करिश्मा मैडम मेरी गुरु है चीते, मैंने बहुत सीखा है उनसे। तो आप हमारी गुरु हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। मैंने उनसे ईमानदारी, बहादुरी, बिना डरे सच का साथ देना सीखा है। तूने मुझसे क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। बिना भेजा के लोगों को भेजा फ्राई कैसे किया जावे ये सीखा है हमने आपसे। और फिर लगातार कचर कचर 24 घंटा एक के बाद एक बतौलेबाजी कैसे की जावे ये सीखो है हमने आपसे। और वार्तालाप कैसो भी चल रहा हो, कितना भी सीरियस मैटर क्यों ना हो, भट्टे में टांग फंसा करके वह बात की ऐसी की तैसी करनो, बात को बेड़ा गर्क करनो सीखो है हमने आपसे। और फिर प्यार में पगले ठेके लंबले ठहनो भी तो सीखो है हमने आपसे। तू ये क्या बोल रहा है चीते? हाँ ये भी हमने आप ही सीखो है। पूरी दुनिया की बात तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन जब हम अपने दिल की बात बताने जाएंगे आपको तो ऐसे सड़ों सा मोहर बना के बोलेंगे मत, तू ये क्या बोल रहा है चीते? ये भी सीखो हमने आपसे। ये बकवास तो बनकर और ये सोच कि करिश्मा मैडम को रोके कैसे। अच्छा एक बात बताओ, मैडम सर के नाम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? MS। आगे धोनी भी लगा दो। MS धोनी। इंडियन टीम को ग्रेट कैप्टन MS धोनी, और हमारे टीम की ग्रेट कैप्टन कौन है? हमारी मैडम सर। चिंता मत ना करो, हमारी टीम को टूटने नहीं देंगी। तो क्या सोचा आपने मैडम सर, आप मंजूर करेंगी करिश्मा मैडम का ये ट्रांसफर एप्लीकेशन? क्या करें और क्या नहीं अभी तो समझ नहीं आ रहा। अगर हम ये एप्लीकेशन ना मंजूर करते तो हम करिश्मा सिंह को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट देते, और अगर मंजूर कर लेते हैं तो अपनी टीम में से एक बहुत ही काबिल और दानिशमंद ऑफिसर को खो देंगे। क्या सही क्या गलत अभी तो कुछ नहीं पता। हेलो मैम। हेलो, ऑल गुड? यहाँ कैसे आना हुआ? हम आपको थैंक्स करने के लिए आए थे। वहाँ पार्क में आपने जो भी कुछ किया ना हमारे लिए उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। गलत किया, बहुत गलत किया। हमें वहाँ गुंडों को मारना नहीं चाहिए था, उनको गले लगा लेना चाहिए था। उनके साथ बैठकर उनका साथ देना चाहिए था, और तुम दोनों को तो वहां से मार के भगा देना चाहिए था। हम है ही गलत, गलत किया हमने। ऐसा क्यों कह रही मैडम आप? आपने जो किया ना उस समय पुलिस पर फिर से भरोसा हो गया। भरोसा हुआ है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। लेकिन मैडम वो वीडियो जब से वायरल हुआ है ना तब से हम सबके नजरों में आ गए। पता नहीं कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है मैडम, और हमेशा डर लगा रहता है कि फिर से वो लोग हम पर हमला करें। तो है ना ये SHO मैडम, ये संभालेंगी। यही है हमारा तो क्या है, हमारा तो दाना पानी उठ लिया है यहाँ से, और ये बोरिया बिस्तरा हम लपेट लिए हैं। एक दो दिन के मेहमान है बस यहाँ पे, अब यही है जो आपको सुरक्षा देंगे। देखिए आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मैम, आप संस्कृति रक्षक संघ के प्रमुख को नहीं जानती हैं, बहुत पावरफुल आदमी है, ऊपर तक अप्रोच है उनकी, पूरा शहर उनसे डरता है, इसलिए उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। अच्छा कौन है प्रमुख, नाम क्या है उनका? अंगद आचार्य। भैया जी वो जो साइड में बटली वाली खड़ी है ना वो है। राम राम। आपको भी राम राम। बहुत सीरियस है मैटर, बैठ जाते हैं। नाम का परिचय तो हो गया, बाकी का परिचय ये है कि संस्कृति रक्षक सेना का प्रमुख हूं, युवा मित्र मंडल का भी प्रमुख हूं,
और महानगर व्यापार संघ का भी प्रमुख हूं। कुल मिलाकर हम सर्वे सर्वा हूं। ये जो आपने हरकत किया ये हमको अच्छा नहीं लगा। हमरा आदमी को सरेआम थप्पड़ मार दिया। सरेआम चेप दिया। इतना भी नहीं सोचा कि हमका पता चलेगा तो शहर में का बवाल होगा। देखो भैया, ऐसा है, तुम वहां नहीं थे इसलिए तुम्हारे आदमी पर हाथ साफ कर लिए। अगर तुम्हारा बहुत इच्छा हो रहा है तो हम तो सेवा करने के लिए बैठे ही हैं यहाँ पे। समाज की सुरक्षा करने का हक हमें संविधान ने दिया है। लेकिन कौन सही और कौन गलत ये तय करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम अधिकार किसी से लेते नहीं। हमें कौन अधिकार देगा? छीन देते हैं हम। तो ऐसा है कि आज का युवा पीढ़ी पत भ्रष्ट हो गया है। कोई शर्म नहीं आंखों में। अब आग में देखिए तो अश्लीलता, सड़क पे देखिए तो अश्लीलता, और सिनेमा में देखिए तो अश्लीलता। अरे गोत्र होता है, समाज होता है, माँ बाप होता है, कुछ आंखों में शर्म होता है, कुछ नहीं बचा। बस यही एक कारण है कि हम अपना इमोशन पे कंट्रोल नहीं पा सकता, तो हमें बचाव करने के लिए ये कदम उठाने पड़ते हैं। बस इसीलिए हमारी सेना हर वक्त सतर्क रहती है, तैयार रहती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ बदसलूकी हुई, सरेआम सबके सामने उसे बेइज्जत किया गया। तब कहा था आपका ये संस्कृति रक्षक सेना? आए दिन सड़क पर, ट्रेन में, बस में, हर जगह बेशर्मों की तरह लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। तब कहाँ होता है आपका ये संस्कृति रक्षक सेना? अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में आतंकी हमला भी हुआ था, पूरे देश में दहशत फैल गई थी। उस वक्त लोगों को बचाने, सीने पे गोली खाने हमारी आर्मी के जवान आए थे, आपके भाड़े के टट्टू नहीं। वो क्या है ना मिस्टर अंगद आचार्य, हमारे देश की संस्कृति अपने आप में इतनी ऊंची है कि आप जैसे छुटभैये गुंडे उसकी क्या रक्षा करेंगे। रहने दीजिए। सत्य कहा हमने। वाह वाह, क्या वर्णन किया आपने अंगद आचार्य, छुटभैया हुंडा। अच्छा है, वो क्या कहता है अंग्रेजी में डकोरम, कि आपने सबका सुरक्षा करने का शपथ लिया और जबान पे लगाम कस के रखूंगा। क्या कहता है, मर्यादा में रहूंगा। हम आपसे अगर कह दें तारे दो कौड़ी पुलिस वाली, अच्छा लगेगा? हमने कहा नहीं ना। अरे लड़कियां, ये पूरा शहर मां, पूरा समाज मां अश्लील कपड़ा पहन के घूमता है, यहां छाती बोर्ड लगा के घूमता है। आ बैल हमें मार, तो बैल क्या करेगा? बैल क्या करेगा? आ भाई बताइए। तो हम दोनों का उत्तरदायित्व है। काका, एक सिक्का का दो पहलू है, हम और आप। चोली दामन का साथ है, हम और आप। मैया की गंगा मैया, तुम रहने दे भाई। ईमा आपका कौनो कसूर नहीं है। ये कमबख्त वर्दी में बहुत गर्मी है, जब पहनता है तो बुर्बक ऐसा फड़फड़ाता, फड़फड़ करता। जो आपने अशील शब्द हमको तोफान दिया, हम भी दे सकता हूं। है करी माई का, है करी, जाने दीजिए, अच्छा लगेगा आपको नहीं ना। बाकी हम पे हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है,
ये तो आपको अंदाजा भी नहीं है, पूरा शहर में खलबली मच सकता है और बाकी रहा इन दोनों का बात ना, तो ठीक है अब बहुत जल्द फैसला हो जाएगा, कहते हैं ना भाई भाई है ना, ठीक देख लेंगे। गजराज जी हो गया भैया जी, अब पता चलेगा पूरी दुनिया में जब जाएगा तब ये फाइनल पता चलेगा और समाज तय करेगा, समाज तय करेगा कि ये भाई बहन है कि ये आशिक कमीना है। तबहन जाके थप्पा लगेगा, फिलहाल हम चलता हूं, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं, राम राम आपको भी प्रणाम। हुई है वही जो राम रची राखा, वो करी तरक बढ़ा वही शाखा। ये ठीक नहीं हुआ मैडम, अब हम किस किस को सफाई देंगे कि हमारा रिश्ता क्या है? कौन मानेगा हमारा सच मैडम? हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई मैडम। ये अगर ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें मैडम, क्या करेंगे अब? बिल्लू? अरे भाई बहुत टाइम से दिखे नहीं। प्लीज प्लीज मेरा कुछ करो। नहीं इतने बालों का कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरे बाल तेरे नाम के साथ मैच खाए। अरे मेरा घर मेरा थाना उसके लिए कुछ करो। कल रात में पुष्पा जी के छत पे सोया था, रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों मच्छर थे क्या? नहीं रे, वो सास बहू का किट किट चलते रहता ना, अब वो बात अलग है, उनके किट किट सुने बिना मुझे नींद ही नहीं आती। बदनाम भाई हाँ। बढ़िया से दो चार जरा कुल्लड़ में दो ना। अरे ये नया चेहरा कौन है? अरे अपने अमीर भाई जो थे उनका छुटवा है, लड़का है। भाई क्या हुआ आपके वालिद को? मैं आपके दुख में शामिल हूँ, बताया क्यों नहीं, कंधा देने आ जाते। हम किसे कंधा देने आ जाते हैं? अब्बा जिंदा है, एकदम हट्टे कट्टे हैं। अच्छा वो तो क्या है ना कि अब्बा इतने दिनों से घाटे में कारोबार चला रहे थे, तो हमने कहा ऐसा है तुम बैठो घर पे, अब हम संभालेंगे सारा कारोबार। कहा कि हमको नॉलेज है ना। अरे नॉलेज नहीं तुमको, अरे करिश्मा मैडम का ट्रांसफर का चक्कर चालू है, वही दोनों की किट पिट 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 चल रही थी। क्या? इसीलिए तो सुबह से ताक लगा के बैठे हैं कि करिश्मा मैडम कब बाहर निकले और हम कब थाना में एंट्री ले। थोड़ा सा मिस करूंगा लेकिन एडजस्ट कर लूंगा। अमा जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा है आज सबको हमारी तरफ से पार्टी। क्या बात है? क्या बिल्कुल सही समझे, क्या है कि अब हमारी सौ की बिरयानी जो है ना 200 में बिकेगी, 200 में, देखते कौन रोकता अब हमको। और हमारी कटिंग चाहे तो फुल दाम में बेचेंगे, वो भी कम दूध वाली। अरे भैया हफ्ते में 4 थप्पड़ चाय में दूध की कमी की वजह से खाते थे हम। यार मेरा तो ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, ना तो कभी शेविंग कराई ना तो कभी बाल कटवाई, लेकिन हाँ बराबर डर बना रहता था। अच्छा हुआ चली गई, झंझट खत्म। चली गई नहीं जाएगी, तू बाहर जाएगी वैसे हम थाना में एंटर हो जाएंगे, पर हसीना मैडम क्या है जज्बात में आ जाएगी, मान जाएगी। हे भगवान कुछ करिश्मा दिखा दे और करिश्मा मैडम को यहाँ से बाहर भेज दे, मैं 700 उम्र का व्रत रखूंगा। हाँ पक्का रखेगा? हाँ रखूंगा एकदम पक्का पक्का। छोड़ तू छोड़, मैं अकेला क्यों मरूं? तो मैं क्यों मरूं? तो मैं क्यों मरूं फिर, साथ में मरूं? ए भाग, ए इसे आदत नहीं, मुझे आदत है ना। चुप खड़े रहो। ए ये भी डांट रहा है। मैडम आप चाय पियो, मैं देखता हूँ। गद्दार चुप रह, दुकान तो हमारी है।
हम दोनों अच्छे दोस्त थे और यहाँ पर अपने पढ़ाई के नोट्स को डिस्कस करने के लिए बैठे थे। सुनो बे, ये देखो नई नौटंकी, कह रहे हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। स्ट्रेंज, आई कांट बिलीव कि लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। एक झूठ को इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि वो अब सच लगने लगा है। ऐसे तो फिर मुकेश और अंतरा गलत ही साबित हो जाएंगे। हो चुके हैं मैडम सर, जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचा है सबको यही लग रहा है कि इस मामले में ये बच्चे गलत है और ये संस्कृति रक्षक सेना वाले लोग जो कर रहे हैं वो सही है। सब इन दोनों को ही दोषी ठहरा रहे, कोई उनसे कुछ नहीं कह रहा जो इनोसेंट लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। संतोष शर्मा, एक बात बताइए, इस वीडियो को वायरल होने से रोकने का कोई भी तरीका है? हाँ मैडम सर, अगर फोन ऑन ही ना किया जाए तो? फोन ऑन ही नहीं होगा तो कोई वीडियो ही नहीं देख पाएगा। वायरल होने से रोकने के तरीके के बारे में पूछ रहे हैं हम। यस मैडम सर, मेरा एक फ्रेंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में है, हम दोनों ने मिलकर टेक्निकली इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया है, तो अब ये वीडियो कोई भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। पर क्या? पर पुष्पा जी, जहां जहां ये वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। करना पड़ेगा मैडम, वो वीडियो किसी भी हालत में पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो वीडियो पापा ने देख लिया तो? अंतरा रिलैक्स, हमने वीडियो को आगे वायरल होने से जो है हमने रोक लिया है, और जहां जहां सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हम उसे वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम, हम सबको पता है कि अगर एक वीडियो अपलोड हो गया तो उसको वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरे पापा ने वो वीडियो देख लिया तो? और क्या पता, शायद अभी तक देख भी लिया होगा।